नमस्कार सभी को वैदिक वास्तु में मैं अपने सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज का टॉपिक है हीट वेव्स बहुत ज्यादा गर्मी है है ना इस बार बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर है जैसा कि सबको पता है पानी की भी बहुत जगह प्रॉब्लम हो रही है लाइट की भी बहुत जगह प्रॉब्लम हो रही है और सबसे ना एंगजी इशू बहुत ज्यादा हो रहा है घबराहट हो रही है चाहे वो किसी भी उम्र का बंदा हो तो आज मैं आयुर्वेद के हिसाब से कुछ छोटी छोटे टिप्स बताऊंगी जो आप लोग अपने घर में कर सकते हैं इस मौसम में सबसे पहले नींबू पानी सबको पता है अगर आप नींबू पानी ओ वाटर पीते रहेंगे तो घबराहट नहीं होगी होगी तो ऑफकोर्स लेकिन वो बैलेंस हो जाएगी ज्यादा बढ़ेगी नहीं ठीक है नंबर वन नंबर टू जितनी भी लेडीज हैं है ना गर्ल्स है सिक्सटीन अबव वो गोंद कतीरा खाए गोंद कतीरा खाना है गोंद नहीं खाना गोंद कतीरा के चार पांच टुकड़े ले ले उसे एक कटोरी पानी में भिगो दे रात को फ्रिज में रख ले क्योंकि मौसम बहुत गर्म है बाहर वो खराब हो जाएगा रात को आप फ्रिज में पानी डाल के एक कटोरी चार टुकड़ों को रखो और सुबह उसे ठंडे दूध में चिकंजी में है ना ऐसे ही आप खांड के साथ भी खा सकते हैं ऐसे भी खा सकते हैं तो ये एनर्जी बढ़ाता है जो लेडीज बहुत जल्दी थक जाती है एनर्जी नहीं होता उनको एनर्जी देता है नंबर वन जिनको बहुत जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है वो गोंद कतीरा ना खाएं ये उनके लिए नहीं है नंबर थ्री आजकल ना आपको मार्केट में बेल का फल मिल रहा है अगर आप उस बेल के फल का जूस पिए तब भी गर्मी खत्म होती है उससे कंट्रोल होती है आप घर में मिक्सर में उसे डाल के नमक जीरा पाउडर काला नमक और चाट मसाला ये सब डाल के बनाएंगे तो एक बहुत अच्छा शरबत बनेगा और ये गर्मी खत्म करता है इसके बाद हम बात करते हैं छाछ की लस्सी की ये सबको है लस्सी सब बनाते हैं मीठी या नमकीन सब पीते हैं अब छाछ को कैसे पीना है जो कि गर्मी को हटाने का सबसे बड़ा एक तरीका है तो छाछ बनाने के लिए आपको आपके घर में जितने बंदे हैं, जैसे आपके घर में चार लोग हैं, तो चार चम्मच दलिया लेंगे और तीन चम्मच चने की दाल लेंगे इसे आप उबाल लेंगे नॉर्मल पानी में कुछ नमक नहीं डालना जब ये उबल जाएगी पूरी गल जाएगी थोड़ा सा मैश कर लेना और हर किसी के ग्लास में एक एक चम्मच इसे ऐड करो और आप इसे जब पियोगे दिस इज अ कंप्लीट मील फर्स्ट यू कैन ऐड नमक और चीनी एज फॉर योर टेस्ट नंबर टू नंबर थ्री ये आपको रोज पीनी है इसे बोलते हैं राबड़ी ठीक है इसे पीने से गर्मी खत्म होती है पेट भरता है छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही हेल्दी है छोटे बच्चे दो साल के चार साल के पांच साल के वो लोग जरूर ये पिए बच्चों के लिए तो ये हेल्थ है ये फुल मील है एक के लिए तो छोटे बच्चे ये जो मैंने आपको छाछ पीने का राबड़ी बना के पीने का तरीका बताया है इसे हर कोई पिए इस गर्मी में ये पेट भी भरता है क्योंकि गर्मी में खाने का मन नहीं होता तो ये एक तरह से मील है ये आप दिन में एक बार जरूर पियो आप इसे जैसे शाम को बना के रख दो और ये एक से दो दिन चल जाता है और इसे जितना चाहिए आप छाछ में मिलाओ और फिर हम तो इसको ऐसे ही पीते हैं ठीक है लेकिन आप इसमें नमक काली मिर्च और चीनी वट एवर यू लाइक वो एड करके पियोगे तो आपका पेट भी भरेगा लंबे टाइम तक बच्चों के लिए ये तो बहुत ही हेल्दी है बच्चे तो जरूर पीने चाहिए और दिस इज दिस इज द बेस्टेस्ट वे टू तो बीट द हीट तो थैंक यू सो मच फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में